For more videos, please subscribe, like and share. जय श्री राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जय श्री राम। श्री राम रक्षा स्त्रोत्र। श्री राम रक्षा स्त्रोत्र मंत्र के रचयिता बुद्ध कौशिक ऋषि हैं। सीता और रामचंद्र देवता हैं। अनुष्टुप छंद है, सीता शक्ति है, हनुमान जी कीलक हैं, तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्त्रोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यान धरें, जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं बद्ध पद्यासन की मुद्रा में विराजमान हैं और पीताम्बर पहने हुए हैं, जिनके आलोकित नेत्र नए कमल दल के समान स्पर्धा करते हैं, जो बाएं ओर स्थित सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन आजानु बाहु मेघ श्याम विभिन्न अलंकारों से विभूषित तथा जटाधारी श्री राम का ध्यान करें। जय श्री राम। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है। उसका एक एक अक्षर महापातकों को नष्ट करने वाला है। नीले कमल के श्याम वर्ण वाले, कमल नेत्र वाले, जटाओं के मुकुट से सुशोभित जानकी तथा लक्ष्मण सहित ऐसे भगवान श्री राम का स्मरण करें जो अजन्मा एवं सर्वव्यापक, हाथों में खड़ग तुनीर धनुष बाण धारण किए राक्षसों के संहार तथा अपनी लीलाओं से जगत रक्षा हेतु अवतीर्ण श्री राम का स्मरण करके मैं सर्व काम प्रद और पापों को नष्ट करने वाले राम रक्षा स्त्रोत्र का पाठ करती हूँ। राघव मेरे सिर की और दशरथ के पुत्र मेरे ललाट की रक्षा करें। कौशल्या नंदन मेरे नेत्रों की, विश्वामित्र के प्रिय मेरे कानों की, यज्ञ रक्षक मेरे घ्राण की और सुमित्रा के वत्सल मेरे मुख की रक्षा करें। मेरी जिह्वा की विद्या निधि रक्षा करें। कंठ की भरत वंदित, कंधों की दिव्या युद्ध और भुजाओं की महादेव जी का धनुष तोड़ने वाले भगवान श्री राम रक्षा करें। मेरे हाथों की सीतापति श्री राम रक्षा करें। हृदय की जम दग्नी ऋषि के पुत्र परशुराम को जीतने वाले मध्य भाग की खर नाम के राक्षस के वधकर्ता और नाभि की जांबवान के आश्रयदाता रक्षा करें। मेरे कमर की सुग्रीव के स्वामी, हड्डियों की हनुमान के प्रभु और रानों की राक्षस कुल का विनाश करने वाले रघुश्रेष्ठ रक्षा करें। मेरे जानुओं की सेतुकृत, जंघाओं की दशानन वधकर्ता, चरणों की विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करें। शुभ कार्य करने वाला जो भक्त भक्ति एवं श्रद्धा के साथ राम बल से संयुक्त होकर इस स्त्रोत्र का पाठ करता है, वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनयशील हो जाता है। जो जीव पाताल, पृथ्वी और आकाश में विचरते रहते हैं अथवा छदम वेश में घूमते रहते हैं, वे राम नामों से सुरक्षित मनुष्य को देख भी नहीं पाते। राम राम भद्र तथा रामचंद्र आदि नामों का स्मरण करने वाला राम भक्त पापों से लिप्त नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अवश्य ही भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। जो संसार पर विजय करने वाले
मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्त्रोत्र को कंठस्थ कर लेता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो मनुष्य वज्र पंजर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता तथा उसे सदैव विजय और मंगल की ही प्राप्ति होती है। भगवान शंकर ने स्वप्न में इस राम रक्षा स्त्रोत्र का आदेश बुद्ध कौशिक ऋषि को दिया था। उन्होंने प्रातःकाल जागने पर उसे वैसा ही लिख दिया। जो कल्प वृक्षों के बगीचे के समान विश्राम देने वाले हैं, जो समस्त विपत्तियों को दूर करने वाले हैं, वही श्री राम मेरे प्रभु हैं। तीनों लोकों में सुंदर वही श्री राम मेरे प्रभु हैं। जो युवा सुंदर सुकुमार महाबली और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं, मुनियों की तरह वस्त्र एवं काले मृग का चर्म धारण करते हैं, जो फल और कंद का आहार ग्रहण करते हैं, जो संयमी तपस्वी एवं ब्रह्मचारी हैं, वे दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। ऐसे महाबली रघुश्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम समस्त प्राणियों के शरणदाता सभी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और राक्षसों के कुलों का समूल नाश करने में समर्थ हमारा त्राण करें। संघान किए धनुष धारण किए बाण का स्पर्श कर रहे अक्षय बाणों से युक्त तुनीर लिए हुए राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मेरे आगे चले। हमेशा तत्पर कवचधारी हाथ में खड़ग धनुष बाण तथा युवावस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण सहित आगे आगे चलकर हमारी रक्षा करें। भगवान का कथन है कि श्री राम दशरथी शूर लक्ष्मणाचुर बलि काकुत्स पुरुष पूर्ण कौशल्य रघुतम वेदानते यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान और अप्रेम में प्राकर्म आदि नामों का नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक जप करने वाले को निश्चित रूप से अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। दूर्वादल के समान श्याम वर्ण कमल नयन एवं पीताम्बर धारी श्री राम की उपरोक्त दिव्य नामों से स्तुति करने वाला संसार चक्र में नहीं पड़ता। लक्ष्मण जी के पूर्वज सीता जी के पति काकुत्स कुलनंदन करुणा के सागर गुण निधान विप्र भक्त परम धार्मिक राज राजेश्वर सत्यनिष्ठ दशरथ के पुत्र श्याम और शांत मूर्ति संपूर्ण लोकों में सुंदर रघुकुल तिलक राघव एवं रावण के शत्रु भगवान राम की मैं वंदना करती हूँ। राम राम भद्र रामचंद्र विधात स्वरूप रघुनाथ प्रभु एवं सीता जी की स्वामी की मैं वंदना करती हूँ। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरत के अग्रज भगवान राम, हे रणधीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप मुझे शरण दीजिए। मैं एकाग्र मन से श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण और वाणी से गुणगान करती हूँ। वाणी द्वारा और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान रामचंद्र के चरणों को प्रणाम करती हुई मैं उनके चरणों की शरण लेती हूँ। श्री राम मेरे माता मेरे पिता मेरे स्वामी और मेरे सखा हैं। इस प्रकार दयालु श्री राम मेरे सर्वस्व हैं। उनकी सेवा में मैं उनके सिवा किसी और को नहीं जानती। जिनके दाईं ओर लक्ष्मण जी बाईं ओर जानकी जी और सामने हनुमान ही विराजमान हैं, मैं उन्हीं रघुनंदन जी की वंदना करती हूँ। मैं संपूर्ण लोकों में सुंदर तथा रण क्रीड़ा में धीर कमल नेत्र रघुवंश नायक करुणा की मूर्ति और करुणा के भंडार की श्री राम की शरण में हूँ। जिनकी गति मन के समान और वेग वायु के समान है, जो परम जितेंद्रिय एवं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, मैं उन पवन नंदन वानाराग्नि की श्री राम दूत की रक्षण शरण लेती हूँ।
मैं कवितामयी डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम के मधुर नाम को पूजते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदना करती हूँ। मैं इस संसार के प्रिय एवं सुंदर उन भगवान राम को बार बार नमन करती हूँ, जो सभी आपदाओं को दूर करने वाले तथा सुख संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। राम राम का जप करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, वह समस्त सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। राम राम की गर्जना से यमदूत सदा भयभीत रहते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम सदा विजय को प्राप्त करते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान श्री राम का भजन करती हूँ। संपूर्ण राक्षस सेना का नाश करने वाले श्री राम को मैं नमस्कार करती हूँ। श्री राम के समान अन्य कोई आश्रय दाता नहीं, मैं उन शरणागत वत्सल की दास हूँ। मैं हमेशा श्री राम में ही लीन रहूं। हे श्री राम, आप मेरा उद्धार करें, इस संसार रूपी सागर से उद्धार करें। शिव पार्वती से बोले, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्र नाम के समान है। मैं सदा राम का स्तवन करता हूँ और राम नाम में ही रमन करता हूँ। इस तरह राम रक्षा स्त्रोत्रम संपूर्ण होता है। जय श्री राम।